दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश का दौर भले ही रुक गया हो, लेकिन अभी इस बरसात से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। अभी फिलहाल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी एक सप्ताह तक दिल्ली हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब में मौसम विभाग के माहिरों का तर्क है कि अगले दो दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में लौटते मानसून के चलते बुधवार तक यहां पर बारिश के आसार बन रहे हैं। बता दें कि इस बारिश का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 19, 20 और 21 को हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर मध्य प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि वातावरण में नमी आ रही है, जिसकी वजह से पश्चिम यूपी और दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बता दें कि देश के कई राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों के लिए 17 से 20 सितंबर तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानियों का कहना है कि इन जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है और कई जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।